किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग और उड़द की फसल में चौथा पानी कब लगाना चाहिए। जैसा कि दोस्तों, मूंग और उड़द की फसल की खेती अभी बारिश के मौसम में और जायद के मौसम में की जाती है। जायद के मौसम में बारिश नहीं होने के कारण इसको पानी देना होता है, जबकि बारिश के मौसम में लगातार बारिश होने के कारण इसको पानी नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर मूंग और उड़द की फसल में जब फूल से फल बन रहे होते हैं, उस समय पर अगर बारिश नहीं होती है, तो उस समय पर आपको इसमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको जब आपके मूंग और उड़द की फसल में फूल बनने लग जाए और फूल से फलियां बन रही हो, उस समय पर आपको मूंग की फसल में चौथा पानी की आवश्यकता होती है। या आप अपने मूंग की फसल में जब तीसरा पानी लगाते हो, तो तीसरा पानी के तुरंत 12 से 15 दिन बाद आपको चौथा पानी लगाना चाहिए। दोस्तों, चौथा पानी आपको ज़रूर लगाना चाहिए, अन्यथा आपके मूंग और उड़द की पैदावार घट सकती है। दोस्तों, उस समय पर जब मूंग में फूल से फलियां बन रही होती हैं, उस समय पर तितली फूलों में अंडे दे देती हैं, जिससे कि वह धीरे धीरे पूरा इल्ली का आकार ले लेती हैं और इल्ली बड़ी होने के कारण आपके फलियों और फूलों को काटकर नीचे गिराने लग जाती हैं। तो उस समय पर आपको एक कीटनाशक का और एक फफूंदी नाशक का और एक टोनिक का स्प्रे भी ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जब फूल से फलियां बन रही हो, उस समय पर आपको प्रोपेनोफोर प्लस हाइपरमेथ्रिन का स्प्रे करना चाहिए। एक एकड़ में आप 250 ml इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ में आपको 0:52:34 खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसमें फॉस्फोरस और पोटास होता है, जो कि पौधे को सख्त ज़रूरत होती है। फॉस्फोरस पौधे में जड़ों का विकास करता है, तने को मजबूती प्रदान करता है, और पोटास फलियों में दाना भराव अच्छी तरीके से करता है, फलियों की लंबाई बढ़ाता है और दानों की क्वालिटी और चमक भी बढ़ाता है। इसके साथ में आपको एक टाटा मास्टर का प्रयोग करना चाहिए। टाटा मास्टर में मेटल एग्जिट प्लान मेनको जेब होता है, 4:64 का मिश्रण होता है, जो कि आपको अपने उड़द की फसल में डालना चाहिए, जिससे कि कहीं पर आपकी फसल में ब्लाइट आ रही हो, पत्ते पिलासपन की अवस्था पे हो, तो उस समय पर आप एक फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको मूंग की फसल में चौथा पानी लगाना चाहिए और उस समय पर आपको एक स्प्रे भी करना चाहिए, जिन दवाइयों को बताएं उन दवाइयों का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मूंग की फसल में चौथा पानी और चौथे स्प्रे की पूरी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।